खाद संकट पर घमासान के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार किसानों के घर पर खाद मुहैया कराएगी। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है। मध्य प्रदेश में खाद संकट पर जारी सियासत के बीच सरकार ने एक अहम फैसला किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को उनके घर पर ही खाद मुहैया कराएंगे। पीओएस मशीन के जरिए खाद बेचने की व्यवस्था होगी। किसानों को लाइन न लगानी पड़े, इसलिए प्रदेश के हर गांव में खाद बेचने की व्यवस्था होगी और वही गाँव में उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए, ताकि लाइन न लगाना पड़े, किसानों को समय न गंवाना पड़े और डीजल पेट्रोल न लगाना पड़े, और इसलिए घर पहुँच सेवा कर रहे हैं। इधर खाद को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हमला जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि केवल सीएम और सरकार के वक्तव्यों में खाद है, जबकि लोग सुबह से शाम तक लाइनों में। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विजयलक्ष्मी साधो ने भी सरकार को घेरा। खाद तो केवल शिवराज सिंह के वक्तव्यों में है, सरकार के नुमाइंदों के वक्तव्यों में है। खाद आप चले जाओ देख लें जरा, लाइन लगा के सुबह से शाम तक लाइन लगाए। किसान आज खाद के लिए मारा मारा भटक रहा है, ना उसको यूरिया मिल रही है, ना डीएपी मिल रही है। ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। जुमले कहना है, टेलीविजन के माध्यम से अपनी चीज को बताना है। अब ये जनता समझ गई, अब इन जुमलों में पढ़ने वाली नहीं है। वास्तविकता धरातल पे आप देखें। प्रदेश में खाद संकट पर सियासी तलवारें खींची है। इस बीच किसानों के घर पर खाद मुहैया कराने का फैसला जल्द अमल में आया तो बड़ी राहत दे सकता है।